अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं मास्क पहनने के कुछ हैक्स और ट्रिक्स शेयर करूँगा, ख़ास तौर पे जो दाढ़ी वाले हजरात हैं उनके लिए। मास्क पहनते हुए उमूमन कुछ मसले मसाइल आते हैं कि मास्क बार बार आंखों की तरफ चढ़ता है, अक्सर देखा लोगों को बार बार उसको पोजीशन कर रहे होते हैं नीचे की तरफ। और दूसरा, जो चश्मे वाले हजरात हैं उनके लिए ख़ास तौर पर कानों पर बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है, तो उसका सोल्यूशन सिंपल सा ये है कि मास्क होल्डर आते हैं, मास्क स्ट्रैप्स या होल्डर भी इसको कहते हैं। ये इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो 100 रुपये के अंदर आपको 5-6 मिल जाते हैं इजीली। तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, कितना टाइट रखना है और कितना लूज़ रखना है। तो इसको पहनने का तरीका ये होगा कि ये होल्डर जो है आपकी गर्दन पे आ जाएगा, और मास्क आप इस तरह पहनेंगे तो ये बिल्कुल नीचे की तरफ दब जाएगा, आंखों की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा और ना आपके कानों पर लोड आएगा। तो ये बेस्ट रिकमेंडेड तरीका है मास्क पहनने का होल्डर के साथ। लेकिन इसमें इसका ड्रॉबैक ये है कि नीचे से क्योंकि ये खींचता है, तो जो दाढ़ी वाले हजरात हैं वो एक उनकी एक ज़्यादा देर मास्क पहना तो एक लाइन बन जाती है, बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो एक और अभी सोशल मीडिया पे बहुत मुफ्ती मैंग साहब जिम्बाब्वे के जो हैं उनका तरीका बताया हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ हुआ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो जो अहबाब अपनी दाढ़ी के बालों के हवाले से बहुत हसास हैं, तो मास्क की जो नीचे वाली साइड है वो दूसरा तरीका ये है कि आप उसको यहाँ से कट कर दें। ठीक है, इसके बाद आप इस दोनों को डोरियों को लेके यहाँ से उसको गिठान लगा लें। गिठान लग गई तो इसके बाद इसको थोड़ा और साफ कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है जी, तो ये आपका मास्क इस तरह आ गया। तो ये जो नोज़ पेन है, ये आप जब आप बांधेंगे ऊपर से ये सर के पीछे से आप आ जाएगी, सर के ऊपर आ जाएगी यानी कि कानों के ऊपर। तो ये जब ऊपर वाला हिस्सा फिक्स हो जाएगा तो नीचे से इसको एज सच खींचने की ज़रूरत नहीं होती। तो जब खींचेगा नहीं क्योंकि दाढ़ी पे ये ऑलरेडी घनी होती है, तो वो बैठ जाता है सही से, ना इससे आपके बाल ख़राब होंगे और ना जो है वो इजीली आप इसको, अगर आपने कभी खाना वाना भी खाना तो उसको आप ऊपर करके या पानी पीना है तो वो आपको इतनी दुश्वारी नहीं होगी। तो ये एक तरीका बहुत वायरल था, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम।